तो भाई सुभाष नगर अगर आप आ रहे हो ना तो ये सारी चीज़ें ट्राई करनी करनी है, लेकिन यहाँ पे आके दो ब्रेड पकौड़े जरूर खाने, एक खाना अलाउ नहीं है, नहीं नहीं है कि नहीं। ये आ गया टिक्की, ये आ गया पनीर का पीस, और ये आ गया जी प्याज, ये है जी मैक्रोनी, मैक्रोनी समोसा। भाई साहब कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ढाई साल हो गए। ढाई साल हो गए शादी को? नहीं नहीं, शादी का टाइम बहुत, तो अभी काम शुरू अभी की है? अलग ही। अच्छा अच्छा, वाह बिल्कुल। पाजी ने भी बोल दिया दो खाने कम से कम, तो चाप है भाई, मनी पेटीएम कर दिया है, पेटीएम कर दिया मनी, 5,000 रुपये पेटीएम कर दिया, ये हार गया बल्ली। तो भाई साहब बंटी और बबली आ चुके हैं हमारे खाने वाले, और हम आपको दिखाने वाले आज इस एपिसोड के अंदर लजीज से लजीज फूड, ऐसा कि अगर आप सुभाष नगर नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो ये पीना खाए जाओगे नहीं, जाना नहीं जाना नहीं जाना। हाँ। तो ये देखो भाई साहब, ये लगवा रहे हैं हम, बंटी बबली है इसका नाम है, बंटी बबली चाप। तो ये सेमी ग्रेवी वाली आती है? अभी पहले हाफ डन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि डन कर रहे हैं यहाँ पे बारबेक्यू, और उसके बाद इसको सीधा कढ़ाई में डाल के बनाएंगे बढ़िया मसालों के साथ। तो ये देखो भाई साहब, ये बंटी बबली की चाप आ चुकी है, इसको पहले बारबेक्यू की है और उसके बाद अब इस जाएगी कढ़ाई के अंदर। अच्छा, मतलब बंटी बबली चटपटे थे, बंटी और बबली, बंटी बबली, मैं बंटी। अमूल बटर नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि सुभाष नगर में ही मलाई चाप है ना, सरदार जी मलाई चाप, इन्होंने ही इसका इजाद किया था। सबसे पहले बनाने वाले मलाई चाप वाले सरदार जी ही थे, जो कि सुभाष नगर से स्टार्ट हुआ था, है ना? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मलाई चाप एक्चुअली में सिग्नेचर डिश ऑफ दिस रेस्टोरेंट, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था मलाई चाप सबसे पहले सुभाष नगर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने बंटी बबली ले ली है, मलाई चाप हमारी बारबेक्यू हो रही है, इसके बाद भैया क्या करोगे, डोंगे में डाल के मलाई वलाई चटनी, वो अरे भाई मज़ा आ जाएगा। तब बबली जोन सी थी ना, बंटी बबली के अंदर क्या था, उसकी जो मैरिनेशन था वो अलग है, इसका मैरिनेशन बिल्कुल अलग है। इसमें इन्होंने बटर डाला पहले, और ये डल गया इनका मसाला, और इस पर डलेगी क्रीम। अब आप देखो ये क्रीम इसने दूसरी ली है, ना कि ये वाली, ये आ गई भाई क्रीम। ओ भाई वाह भाई वाह, तो ये इनका खास आइटम है, जब भी आप यहाँ पे आओ ना सुभाष नगर तो सरदार जी मलाई चाप पे आ गए, ये ज़रूर ट्राई करना। ये देखो क्रीम हरी हरी सब्जी, अब चलते हैं, और ये ऊपर भी आ गई, ये देखो भैया ये फैटलेस क्रीम और आ गई थोड़ी फेमस अंडा ग्रेवी, हांडी ग्रेवी। अच्छा वेज हांडी ग्रेवी, वेज ही मिलता सारा कुछ तो। और ये क्या है? वेज मटन कोरमा। ये हमारे सरदार जी हैं जिन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया था मलाई चाप बनाना। अंकल कितने साल हो गए? 87 मेरा बर्थ था, उससे भी 3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है, और ये आइटम इनका जो है ना, मतलब मलाई चाप वाला, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पर बेटा कोई भी ऐसी आइटम खाओ, अगर आपको खाने में टेस्ट ना हो तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। क्या बात है, अच्छी लगे तो पैसे है, नहीं तो वैसे है। हर विडो औरत जो भी किसी को काम नहीं मिलता वो बैठी हुई है, अंदर बैठी हुई है। अच्छा, गोदाम में तो आप लगी नौकरी पर रख लेते, बिना एग्रीमेंट के सीधा नौकरी। क्या बात है भाई, मतलब इससे बढ़िया और नोबल कॉज क्या लोगे आप, मतलब बढ़िया खाना भी खाओ, और अगर आप किसी विडो औरत को जाते हो जिसको काम ना मिल रहा हो ना, वेजिटेरियन है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको वेज फिश भी मिलेगी, मटन कोरमा मिलेगा, सब मिलेगा, वो सारा कुछ वेज है। खाना आ चुका मेरा, लगते हैं सीधा और टेस्ट करके बताती है मैडम कि कैसा टेस्ट है। आओ जो। तो भाई दोनों की दोनों चाप आ चुकी है, जो यहाँ पे सबसे पॉपुलर है ना वो है जी ये मलाई चाप, जो कि यहीं से स्टार्ट हुई थी, और ये है जी थोड़ी यूनिक लगी बबली, ये है जी बंटी और बबली। तो बंटी और बबली आ गई है और हमारी मलाई चाप आ गई है, साथ में एक रुमाली रोटी ली है। तो सुकीर्ति जी प्लीज़ पहले आप मैम। अच्छा, पहले आप। तो अब ज़रा टेस्ट करके बताती है सुकीर्ति कि टेस्ट कैसा है एक्चुअली। मैंने तो यहाँ पे बहुत टाइम पहले भी, मतलब काफ़ी बार खाया हुआ है। हाँ, आई लव देयर टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इनका, हर एक वैरायटी का। मुझे एक खास बात ये भी लगी कि ना पहले बारबेक्यू की जाती है, जब कोल्ड फ्लेवर आ जाता है ना उसके बाद उसको कढ़ाई में डाल के क्रीम के साथ बढ़िया से मिक्स करके देते हैं, मन कर रहा है कि मैं भी खा लूँ। सॉफ्ट चाप है बिल्कुल। चीयर्स गाइस। एकदम फैटलेस। फैट तो भैया है, फैट तो है। बहुत बढ़िया। तो ये
एक बार ट्राई करते हैं बंटी और बबली। बंटी और बबली, बंटी और बबली, ये दोनों की जोड़ी ना। चलो भाई चेयर्स। व्हाट स्पाइसेस मैन, ऑसम। अगर आपको मलाई वाली चीज़ पसंद है ना तो ये खानी है, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो ये खाना ज़रूर। मैं कह रहा हूँ अभी प्लान बनाओ, सुभाष नगर आओ, सरदार जी मलाई चाप पे बंटी बबली और मलाई चाप टेस्ट करके बताओ। चलते हैं अब कहीं और दिखाते हैं और क्या जायके है सुभाष नगर में। ये बन रहा है जी काला बर्गर सुभाष नगर का फेमस, एकदम बढ़िया। ये देखो भाई आलू की टिक्की। अच्छा ये, और ये क्या प्राइस के होता है? 60 से स्टार्ट हो जाता है। टिक्की वाला मतलब समझा नहीं, मतलब पनीर वाला अलग आता है और टिक्की वाला अलग आता है? आलू की टिक्की और अगर दोनों लगाना हो तो? अच्छा दोनों, अच्छा समझ गया। विदाउट पनीर 60 का। वाह भाई वाह, देख रहे हो भाई आप स्पीड देखो, आपसे बातें करते करते ही भैया ने 3 बर्गर लगा दिए। ये देखो और अब दिखाता हूँ आपको वहाँ पे क्या बन रहा है। बस बात है मैम, आलू की टिक्कियाँ बना रही है, वो एकदम फ्रेश आपके सामने बन रही है। कई बार क्या होता है जहाँ बर्गर मिलते हैं ना, लोग टिक्कियाँ बना के रख लेते हैं और उसके बाद फिर सर्व करते हैं, पर ये गर्म गर्म टिक्की जब बर्गर में लगेगी ना, मैं कह रहा हूँ आप हर किसी बड़े बड़े ब्रांड का बर्गर भूल जाओगे। तो ये 50-60 रुपए का ऐसा बर्गर है जो आपको बड़े बड़े ब्रांड का टेस्ट भुलाने को मजबूर कर देगा एक्चुअली। तो मैम कितने साल से काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे? ढाई साल हो गए। तो ढाई साल हो गए शादी को? नहीं नहीं, शादी का टाइम बहुत, तो अभी काम शुरू अभी की है? अलग ही। अच्छा अच्छा, तो ढाई साल से बर्गर है ना। ये देखो भाई ये फ्रेश टिक्की बन चुकी है फर्स्ट क्लास, अब हम लगवाते हैं अपना बर्गर और आपको टेस्ट करवाते हैं। और ये बर्गर भी काफ़ी स्पेशल, आप देख सकते हो, ये नॉर्मल जो बर्गर मिलते हैं रेडी पे वो वाले नहीं है, ये बेकरी वाले बंस है। वैसे तो वो भी बंस बेकरी की होते हैं बट ये कुछ स्पेशल ही है। हाँ स्पेशल बर्गर ही लग रहा है। ये देखो जी कट किया, इसके अंदर आ गया जी मसाला, ये आ गया टिक्की, ये आ गया पनीर का पीस और ये आ गया जी प्याज फर्स्ट क्लास। इसको दो में डिवाइड करता हूँ। और चटनी साथ में कौन सी चटनी देते हो? खट्टी मीठी। ये देखो भाई परफेक्ट आ गया है मज़ेदार। तो ये देखो भाई साहब बर्गर आ चुका है काला बर्गर, भाई काले रंग का नहीं है, अंकल का नाम शॉर्ट नेम अंकल का, जैसे कहता ना, जैसा मेरा नाम घर में कन्नू है, करण होता है, सुकीर्ति को सुक्कू बोलता हूँ, ऐसे अंकल का नाम घर में काला था, तो इसीलिए इसकी दुकान का नाम भी, अंकल की दुकान का नाम भी अंकल ने काला बर्गर के नाम से रखा। पुरानी शॉप है काला बर्गर, सुभाष नगर में सबको पता है काला बर्गर वाला है ना। पहले ये एक ही भाई था, अब ये दोनों मतलब कि सेपरेट हो चुके हैं, तो ये ओरिजिनल दुकान थी, मैं यहाँ पे आया हूँ खाने के लिए। ऊपर का बन भी स्पेशल है, अंदर पनीर देख कितना मोटा लगा है, पनीर है, आलू की टिक्की है और खीरा और प्याज, सबको चटनी में डूबो, इनकी चटनी है यहाँ पे, इसकी चटनी में डूबेगा ये बर्गर और ये जाएगा सीधा सुकीर्ति के पेट के अंदर। ये लो जी, ओ भाई तो देख के ऐसे मन कर रहा था 4-5 बर्गर सीधे इकट्ठे मुंह में डाल ले, बैठ का एक बर्गर आता है मेरे को लग रहा। तो भाई सुभाष नगर में और क्या है यार बढ़िया खाने के लिए, आप नीचे कमेंट करो, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे उसको। लेकिन आज क्या है और बढ़िया हमारे लिस्ट के अंदर वो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, अच्छा, मज़ेदार चीज़ आएगी। यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई करना, फेमस है बहुत। हाँ मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जो सुभाष नगर में अगर आ रहे हो, पेटू हो, खाने वाले हो, तो ये ट्राई करनी है, करनी है, करनी मतलब करनी है। तो हम इसे ख़त्म करते हैं, चलते हैं कोई और दिखाते हैं यहाँ पे और क्या जायके खाने। तो भैया जी निष्ठा स्नैक्स पे आए हैं जो कि है सुभाष नगर में, और यहाँ पे मिलते हैं भाई समोसे अलग अलग फ्लेवर्स के। आ जा। हाँ जी तो 4 तरीके के समोसे आ गए हैं, डिफरेंट समोसे हैं, तो स्टफिंग दिखाओ पहले। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कौन सा है, तो मैं एक बार खोल करके आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। स्टफिंग देखो भाई, स्टफिंग चेक करते हैं, तोड़ो। ये देखो भाई ये है जी मैक्रोनी, मैक्रोनी समोसा, भाई साहब मतलब मैक्रोनी बनते हुए तो देखी थी, समोसा के अंदर फिलिंग होता है देखी कभी आपने? ये देखो भाई बढ़िया, ये निकलेगा चाउमीन, ओ चाउमीन अंदर निकला है, चाउमीन समोसे जी दिया भाई, जी दिया 500 जी दिया। चल मन्नी बता इसमें से कौन सा? ये है पिज्जा, ये पिज्जा, ये है मलाई पनीर, चलो ये निकलेगा मसाला पनीर, मसाला चाप। लेट मी चेक, ये है मसाला चाप, पिज्जा है मसाला चाप, चाप है भाई, मनी पेटीएम कर दिया है, पेटीएम कर दिया मनी, 5000 पेटीएम कर दिया।
ये हार गया बल्ली। तो गाइस मसाला चाप सोच सकते हो ये देखा, और ये आ गया भाई फोर्थ वाला समोसा। ये निकलेगा चीज कॉर्न जी सर। बढ़िया सर, ये देखो भाई साहब, ओए होए चीज कॉर्न निकला है। गरम इतना है, ये तो 2 मिनट का काम होता वैसे, है ना? ये ले इसको तोड़ा, ये लो जी चीज कॉर्न आ गया बाहर। मैं तो ये टेस्ट करता हूँ मैक्रोनी वाला। मुझे पता था आप मैक्रोनी उठाओगे क्योंकि आपकी मैक्रोनी बहुत बड़ी फेवरेट है, है ना? तो भाई ये रहा जी मैक्रोनी समोसा। मैं एक बार ट्राई करती हूँ चीज एंड कॉर्न। ओहो ये रहा जी। बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि मुझे आलू के पसंद है। अच्छा हाँ, चौमिन कोलू चल भाई मैडम, चौमिन चेयर्स। चौमिन समोसा, चौमिन समोसा तो इसे ही खाते हैं। खत्म खत्म करें पहले, टेबल टेस्ट करो। ये आपको अच्छा लगेगा। अब और क्या है यार यहाँ पे, और क्या मिलता है? नेक्स्ट जगह चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं। मैंने सुना यहाँ पे कोई ब्रेड पकौड़े वाला जो बहुत फेमस है, हैं? सुभाष ब्रेड पकौड़ा, सुभाष नगर के अंदर ही, उसका नाम ही सुभाष है। तो वहीं चलते हैं और दिखाते हैं कि सुभाष जी के ब्रेड पकौड़े कैसे हैं, क्या इज इट वर्थ इट और नॉट। चलिए तो भाई साहब आ चुके हैं सुभाष ब्रेड पकौड़े वाले पे, जो कि सुभाष नगर में है। और ये देखो पाजी हमारे खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है पक्का, बहुत बढ़िया। आज देर नहीं आ रहे, कितने साल से आ रहे हैं? कितने साल हो गए? साल, 5-6 साल हो गए, क्या बात है। ये मन्नी स्पेशली, मन्नी ने बताया था स्पेशली कि मिलते भाई ब्रेड पकौड़े। 40 साल हो गए, 40 साल पुरानी शॉप है। ये देखो भाई, ये अब ब्रेड पकौड़े लगने शुरू हो चुके हैं। अब आप देखते रहो, फ्रेंच फ्राइज भी है। और सुभाष नगर अगर आप आ रहे हो ना, तो सुभाष ब्रेड पकौड़े वाले में ज़रूर आना, इसको ट्राई करना। ट्रस्ट मी, ऐसा टेस्ट है शायद आप दिमाग से निकाल पाओ। ये हुई है मतलब फुल सपोर्ट है फैमिली का, फैमिली काम कर रही है पूरी फर्स्ट क्लास, मज़ेदार 9 to 9 फर्स्ट क्लास। चले मनी टेस्ट करें, आ जाओ भाई। तेरे भाई ब्रेड पकौड़ा और ये आगे चटनी, कितने का था एक ब्रेड पकौड़ा? 15 रुपये का यार, 15 रुपये है मात्र, 15 रुपये का आलू वाला ब्रेड पकौड़ा। ओहो सुभाष जी का आलू वाला ब्रेड पकौड़ा 15 रुपए का, 15 रुपए का एक टुकड़ा था, गरम फ्रेश ताज़ा तले हुए, बढ़िया से स्टफिंग देखो आलू की, और एकदम उबल रहा है बढ़िया वाला, और ये चटनी में डूबा यूँ। और ये देखो ये चटनी एकदम अलग है, हाँ पतली है वाला, आई कई जगह पे क्या होता है बेसन बहुत मोटा होता है। हाँ ये तो बात तो है, हम तो वैसे 4 भी खा सकते हैं। कोटिंग एकदम पतली है ना, और लाइट है, लाइट है एक्चुअली में, लाइट है। मतलब जनरली बोलना नहीं चाहिए ब्रेड पकौड़े हमेशा हैवी होते हैं, लेकिन यस अच्छे खासे लाइट है, आप खा सकते हो, मतलब हैवीनेस फील नहीं होती। तो भाई सुभाष नगर अगर आप आ रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें ट्राई करनी करनी है, लेकिन यहाँ पे आके 2 ब्रेड पकौड़े जरूर खाने, एक खाना अलाउ नहीं है। नहीं नहीं है कि नहीं? बिल्कुल, पाजी ने भी बोल दिया 2 खाने कम से कम। तो चलिए टेस्ट करो। Yes.